वो कमा कर असली गाना बजाइएगा, कोई आपके यहाँ पे कोई मीडिया वाला घुस जाएगा, जैसे कि हम घुस गए आज। आप घुस गए हैं ना सर। हाँ तो आज हम घुस गए ना, तो बोले थे जो मुझे पार्लर पसंद पड़ेगा उसी पार्लर में हम जाएंगे। ठीक है सर, हम कहाँ कह रहे हैं, मेरा तो नाम ही है फॉरेन। तो नमस्कार दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं फोर स्टार सैलून। आप देख सकते हैं फोर स्टार सैलून है, और यहाँ पे हम अभी अपना बीएड यानी कि दाढ़ी बनवाने आए थे। तो हमने अंदर घुस कर जितने बार भी हम आए हैं यहाँ पे, हर बार यहाँ पे अश्लील गाना बजता है। और अभी हम अभी जस्ट अंदर घुसे तो यहाँ पे अश्लील गाना बज रहा था। जो ये फोर स्टार के मालिक है, अभी उनसे बात करेंगे कि इस सैलून में गाना क्यों बज रहा है अश्लील। तो आइए भैया चलते हैं सैलून के, पहले आप दिखा दीजिए पूरा सैलून कैसा है। ये फोर स्टार सैलून, अभी चलेंगे अंदर फिर पूछेंगे मालिक से असली गाना क्यों बज रहा है। तो आइए पहले हम बात करते हैं मालिक से। भैया गाना बंद कीजिए, गाना बंद कीजिए, गाना बंद कीजिए पहले। क्या हुआ? आप यहाँ का मालिक है? नहीं नहीं हम मालिक नहीं है। आप यहाँ का मालिक है? हम मालिक हैं। बोलिए क्या बात है? यहाँ पे जितने बार भी हम आते हैं यहाँ अश्लील गाना बजते रहता है, ऐसा क्यों? बजेगा नहीं। क्यों बजेगा? काहे नहीं बजेगा, हर पार्लर में बजता है। कस्टमर जनता जो कहता है फरमाइशी वो बजाते हैं। जनता जो बोलेंगे वही बजाएगा आप? तो कैसे बजाएगा आप? क्योंकि क्यों नहीं माना किए जी? हम तो क्यों माना कर रहे हैं, अच्छा हमको लगता है, फील आता है वो गाना से, तो हम बजाते हैं। बजाते हैं इसका मतलब ये नहीं हुआ, हिंदी सॉन्ग इतना अच्छा अच्छा है नहीं, उसको नहीं, आप बजाइए। नहीं सर ऐसा थोड़ा है, हर पार्लर में बजता है। अब क्यों नहीं माना किए असली इतना गाना? हम अभी सबको मानेंगे, हम आपके सैलून में हर बार आते हैं और जितने बार भी आते हैं, जितने बार भी आते हैं तो असली गाना बजता है। अरे भैया आज भी आए दाढ़ी कटवाने के लिए तो असली गाना बज रहा था, ऐसा क्यों? आप आते हैं क्यों नहीं आते हैं? हर पार्लर में घूरे हैं आप, माना किए हैं कहूँ नहीं किए हैं? जो मुझे पसंद पार्लर पड़ेगा वही ना आएंगे। जो फरमाइश कस्टमर करेगा गाना वो हम चॉइस करेंगे, वो कस्टमर तो के मर्जी से चलता। आप मालिक है यहाँ के, ओनर है आप, यहाँ का मालिक है और ओनर भी है। ओनर हम भी हैं, आप भी हैं ओनर। नहीं हम कैसे ओनर बन गए? हम बन गए, हम बस जनता है, बस थोड़ा छोटा सा। आपका फरमाइश से गाना बजता है पूरा पार्लर में औरंगाबाद, कोई भी सब जगह बजता है। यहाँ पे हिंदी गाना भी बजता है और हम लोग हिंदी गाना, तो हिंदी गाना अभी तक जितने बार भी आए हैं तो सुने नहीं है अभी तक हम, ऐसा क्यों? क्या गलती है ना, आप नहीं सुने हैं आप है, हमारा आप जब भोजपुरी बजता है तभी आप आते हैं। जो फरमाइश करेगा कस्टमर वही ना हम बजाएंगे, अपना मन गाना बजाएंगे, अपना मन जो मन में आएगा सो करेंगे। और धोड़ी चटना क्यों नहीं माना किए? धोड़ी चटना पे जो पीके आर्यन जो गायक थे राइटर थे, जो पीके आ रहे हैं जो राइटर थे वो भर्ती हो गए, पता है आपको कि नहीं? वो बार बार के कस्टमर चॉइस करता कि नहीं वही बजाइए परदेसी भाई, थोड़ी चटने बजाइए। नहीं नहीं तो फिर वो पूरा असली से गाना भरा हुआ है, जो चंदन चंचल है वो पूरा असली असली गाना निकालते हैं। गाना सब है अश्लीलता गाना वो नहीं निकाले हैं, हम भी एक कलाकार हैं और हम कलाकार के दर्द को समझते हैं। तो दोस्तों अभी जो इस सैलून में जो काम करते हैं वो भी एक कलाकार है, अभी उनसे बात करेंगे आप एक कलाकार होकर ऐसा क्यों करते हैं। और इनका भी एक थोड़ा सा जो पहला गाना आया था उसमें एक अश्लील सॉन्ग था, ऐसा क्यों भैया? आपका आपके गाने में अश्लील सॉन्ग क्यों था? सबसे पहले देखिए हम अपने दर्शकों को प्रणाम कर रहे हैं, हमारा नाम दीपक डिस्को भोजपुरिया है जी। और जब हम मार्केट में, अब जो नए नए हम कलाकार थे उस समय हमको गाना का अनुभव नहीं था, बस मतलब गायकी था जी। तो एक राइटर ने हमको गाना दिया, तो हम पुराने ट्रैक पे हम गाना चार गाना गाए थे। तो आप कौन से कंपनी से काम करते हैं? हम देखिए अभी कोई कंपनी से फिलहाल में जुड़े हुए नहीं हैं हम जी। हमारा अभी जैसे कि कभी वो कंपनी में चल गए, कभी वो कंपनी में चल गए, अलग अलग कंपनी में जाकर गाना गाते हैं। तो एक गाना आया था हमारा कि भतार नहीं खा हमर की रोज रोज दे हब जी, ठीक है। तो इसको चैनल हम अपना ऑफिशियल चैनल से रिलीज किए थे हम जी। तो उसमें खास ज़्यादा व्यू नहीं आया, 7,000 व्यू आया है। और उस समय हम राइटर को बोले थे कि ऐसा क्या बोलेंगे, अश्लीलता बंद कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? नहीं बंद होगा सर। क्यों नहीं बंद कीजिएगा?
पूरा पार्लर में बंद कराइएगा ना तब हम बंद कराएंगे ना, तो असलियता जन आप बंद कीजिएगा तब ना बंद कराएंगे। नहीं, जनता के मर्जी से ये गाना बजता है असलियता। धोड़ी चटना काहे नहीं बंद करा दे रहे हैं आप? धोड़ी चटना बंद कराइए तो असलियता वो भी है। हम सुन चुके हैं वो गाना और उन पर बहुत सब लोग टारगेट भी किया है। नहीं होगा, जो कस्टमर च्वाइस करेगा वो हम गाना बजाएंगे। सरकार ने ऐसा पाबंदी लगाया है जो नहीं सुनिए पहले नहीं चलते हैं। सरकार ने ऐसा पाबंदी लगाया है जो भी अश्लील गाना बजाएगा ऑटो चाहे बस में चाहे किसी भी गाड़ी में चाहे किसी भी घर में उसको अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो सरकार की मर्जी है तो इस सब का अरेस्ट कर अरेस्ट कर लेवे या हमको कर लेवे या पूरा ऑल इंडिया। यानी कि आपको डरने क्या मतलब है? हम डरते नहीं है, हम किसी से डरते नहीं है। हम अपना गाना बजा रहे हैं, च्वाइस वाला गाना बजा रहे हैं। हम क्यों माना कीजिएगा आपका? हम रोजी रोटी खा रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। नहीं, क्योंकि इस सैलून में काफी तरह के लड़का आते हैं जैसे प्रेम है भाव है मानते हैं भैया। और यहाँ पे काफी तरह के लड़का भी आते हैं जिसको सॉन्ग सुनना पसंद है, जिसको सॉन्ग सुनना पसंद नहीं है। जो सॉन्ग सुना पसंद नहीं है तब पर भी आप सॉन्ग बजाइएगा तो कैसा लगेगा आपको? नहीं, अश्लीलता गाना नहीं फिर बजाते हैं। क्यों नहीं? अभी तो आप बोल रहे हैं कि अश्लीलता गाना बजाते हैं। देखिए अभी भी आप सुधरेंगे नहीं? अभी सुधरना क्या है? सुधरेंगे नहीं आप बताइए पहले? आप सुधरते नहीं है, मुस्कुराते रहते। सुधरेंगे नहीं आप पहले? नहीं, जो जनता अगर सुधरना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमें बिहार का डेवलप करना है। जब तक आप नहीं सुधरेंगे तो बिहार कैसे डेवलप होगा भैया? आप बताइए पहले। पूरा बिहार सुधरेगा तब ना हम सुधरेंगे। पहले आप सुधरिएगा तब ना बिहार सुधरेगा। पहले एक आदमी जब आवाज उठा रहा है, जब निकला है धोड़ी चटना तो क्यों नहीं बंद कराए आप? बंद का फ्लॉप हुआ है वो सॉन्ग। हम बजा रहे हैं तो आप बंद कराने चल दिए हैं। आप देखे होंगे यूट्यूब पे चाहे कभी कहीं कई वीडियो वायरल हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। धोड़ी चटना बज रहा है तो अभी बहुत कम बज रहा है। अब पवन सिंह जितना भी गाना आ रहा है झगड़ा करा दे लुभा, ये सॉन्ग काफी ट्रेंडिंग में है। पवन भैया बहुत नामी हीरो हैं, वो हम मानते हैं पूरा बिहार में, पूरा बॉलीवुड के हीरो हैं, नंबर वन। भोजपुरी के कोई नहीं हिला सकता उनको कलाकारी में। तो चंदन चंचल का सॉन्ग क्यों सुन रहे हैं आप? पवन भैया सॉन्ग सुनिए, आया था लाल घंगरा सॉन्ग। दबंग तो है ही पवन भैया, हम बोलेंगे तो उनका सॉन्ग सुनिए। सुनेंगे? लाल घाघरा नहीं सुनते हैं हम तो अभी तक, देखे नहीं है। खाली असली से गाना, असली सॉन्ग सुनते देखे आपको? लाल घाघरो बजाते हैं, रह रह के चेंज करते हैं। जखनी मूड होगा तखनी चेंज करेंगे, नहीं मूड होगा नहीं करेंगे। भोजपुरी में भी ऐसा सा गाना आया है जो पारिवारिक गाना भी है और अश्लीलता भी नहीं है उसमें। जैसे कि हम कलाकार की बात करेंगे तो पवन सिंह होंगे, खेसारी लाल भी होंगे, और नीलकमल के सॉन्ग आया था एक चंदा शर्मा गईलू। अच्छा, वो सॉन्ग पता है वो कितना वायरल हो रहा है? रील भी बन रहा है उसमें काफी। तो आप बंद कीजिए कि नहीं कीजिएगा बताइए? पूरा मार्केट में जितना पार्लर है ना औरंगाबाद, हर गाना अगर नहीं बजता है तो कस्टमर नहीं आएगा, गाने पर आता है। तो भैया आप देखिए ओल्ड सॉन्ग बजाइए, दिल में खुश कीजिए जगह। ओल्ड सॉन्ग बजाइए।